तो यहाँ पे शाओमी ने 27 दिसंबर 2023 में शाओमी हाइपर ओएस के लोगो को यहाँ पे रिवील कर दिया था। जैसा कि इसके रिगार्डिंग में स्मॉल पोस्ट भी क्रिएट कर चुका था 27 दिसंबर को। आई एम एक्साइटेड टू शेयर टू इम्पोर्टेंट अपडेट्स विद यू टुडे। फर्स्ट, शाओमी हाइपर ओएस इज ऑफिशियली लॉन्चिंग अ न्यू लोगो। इट्स अ गैलेक्सी ऑफ डॉट्स स्विलिंग टुगेदर लाइक आइडियाज इन कनेक्शन इन अवर डिजिटल यूनिवर्स। पीपल एंड डिवाइसेस इन द डॉट मैट्रिक्स आर फ्लोइंग फ्रीली and connecting seamlessly in our hyperverse world like stars in the real universe. So यहाँ पे शाओमी ने इतना बड़ा भाषण तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन अभी तक शाओमी hyperverse का लोगो किसी भी शाओमी के स्मार्टफोन में hyperverse के अपडेट्स के साथ ना ही चाइना रीजन, ग्लोबल रीजन, इंडिया रीजन, यूरोप रीजन, किसी भी रीजन में अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। मैं यहाँ पे खुद रेडमी K70E यानी कि पोको X6 प्रो चाइना वेरियंट 1.0.13.0 को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे ना ही अभी तक सेटिंग्स में और ना ही अपडेटर के सेक्शन में हाइपर ओएस का जो लोगो है वो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं। सो इसको कब तक रोल्ड आउट किया जाएगा शाओमी हाइपर ओएस के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, सो मैं आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। शाओमी हाइपर ओएस 2.2 अक्टूबर में लॉन्च किया जाने वाला है चाइना रीजन में, और यहाँ पे शाओमी अक्टूबर के मंथ में शाओमी 15 सीरीज के साथ आउट ऑफ द बॉक्स हाइपर ओएस 2.0 और हाइपर ओएस लोगो को भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। और यही आपको हाइपर ओएस का लोगो हाइपर ओएस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन हमेशा आपको यही देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे कंपनी को बार बार उनके लोगो को चेंज करने की कोई भी नीड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी 1, 2, 3, 4 ऐसे साइन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। सो ये आपको हाइपरवेस 2.2 के साथ सभी शाओमी डिवाइसेस में देखने के लिए मिलने वाला है। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दी शाओमी हाइपरवेस 2.0? कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ।